भारत सरकार द्वारा संचालित योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु तृतीय पैकेज में टूल पहाड़ स्प्रिंकलर परियोजना, सहजात बांध स्प्रिंकलर परियोजना एवं मस गांव चिल्ली स्प्रिंकलर प्रणाली की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा देश किसी चीज का निर्यात करने की स्थिति में हो, लेकिन हम ठीक उसी चीज की किल्लत से जूझ रहे हों? दिमाग पर जोर मत डालिए, हम आपको बता देते हैं। ये चीज है बिजली। भारत अपने बिजली घरों में इतनी बिजली बना सकता है जितनी हमारी आबादी और उद्योग मिलकर खपा भी नहीं सकते। बावजूद उसके हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से खबर आने लगती है कि गांव कस्बे में 8-8 घंटे की कटौती हो रही है या करनी पड़ रही है। सरकार मानती तो नहीं है कि कोई गड़बड़ है, लेकिन कटौती भुगत रहे लोगों का दर्द छलक ही आता है, आम हो या फिर खास। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को 23 मई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी कि अचानक से विधानसभा के भीतर लाइट चली जाती है। बताया यह जा रहा है कि विधानसभा के अंदर 1.5 से 2 मिनट तक अंधेरा छाया रहा। हालांकि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की गई, बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, एक को तो बर्खास्त भी कर दिया। मसला दरअसल यह हुआ कि 23 मई से उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ हुई। विपक्षी दलों के शोरगोल के बीच में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। उनका अभिभाषण खत्म ही होने वाला था, उसके करीब 2 मिनट पहले लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। बिजली विभाग के 4 कर्मचारियों पर इस पर कार्रवाई भी की गई है। दरअसल सस्पेंड होने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी में अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन संजय पासवान हैं, उपखंड अधिकारी पुष्पेश गिरी हैं और अपर अभियंता अमर राज भी शामिल हैं। वहीं सब स्टेशन ऑपरेटर दीपक शर्मा की सेवाएं भी खत्म कर दी गई हैं। बिजली विभाग के इन कर्मचारियों पर ट्रांसमिशन उपखंड मॉनिटरिंग पुरवा लाइन ट्रिप होने पर, यानी कि बिजली सप्लाई में रुकावट पर कार्रवाई की गई। इंजीनियर्स पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही का आरोप लगा है। लाइन ट्रिप होने से विधानसभा सहित आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि तेज आंधी तूफान की वजह से, होर्डिंग गिरने की वजह से लाइन ट्रिप हुई थी। वहीं खबरें यह भी हैं कि बिजली की सप्लाई बाधित होने से विधान भवन की 3 नंबर की लिफ्ट भी चलते चलते रुक गई थी। इस वजह से 3 मीडिया कर्मी करीब 45 मिनट तक यहां पर फंसे रहे थे। वहीं आपको ये बताते हम चलें कि 23 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मौसम ने करवट ली थी। बारिश के साथ ही आंधी तूफान जैसे हालात भी बन गए थे। इसी वजह से ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई थी। इससे पहले थर्मल प्लांट में कोयले की कमी के चलते भी कई राज्यों में बिजली संकट की खबरें सामने आती रही हैं। कुछ राज्यों ने कोयला कंपनियों को भुगतान में देरी भी की थी, इस वजह से भी कोयला आपूर्ति प्रभावित हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो अभिभाषण के दौरान हुआ वो वाकई में अचंभित करने वाला था, हैरान करने वाला था। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिजली अभिभाषण के दौरान गुल रही। उत्तर प्रदेश की सरकार की जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपलब्धियां गिना रही थीं, वहीं जब बिजली उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर चली गई तो जाहिर है उन उपलब्धियों में एक कमी भी सामने आ गई थी, क्योंकि पिछले कुछ रोज से ये देखा जा रहा था कि बिजली की किल्लत की वजह से कई राज्य अपनी व्यथा सुना रहे थे, कह रहे थे कि बिजली की किल्लत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। बावजूद उसके बिजली की किल्लत, बिजली की कमी कम नहीं हो रही थी, दूर नहीं हो रही थी। वहीं जब आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण शुरू कर रही थी, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर सरकार को आड़े हाथों ले रही थी, वेल तक आ गई थी और हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आ रही थी। और जब ये इस तरह का मामला भी सामने आ गया, जब ये दृश्य विधानसभा के भीतर देखने को मिला, जब आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण खत्म ही करने वाली थी, उससे कुछ देर पहले ही लाइट चली जाती है, बिजली गुल हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी उसको लेकर भी सरकार पर तंज कसती हुई आ रही थी। सोशल मीडिया पर तमाम बातों का जिक्र हो रहा था,
तमाम तंज तमाम व्यंग सरकार पर कसे जा रहे थे, लेकिन ये गंभीर विषय भी देखने को मिला था। हालांकि भले ही उस रोज यानी कि 23 तारीख को आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से इस तरह की दिक्कत आ सकती है अलग अलग जगहों पर देखने को मिली थी, लेकिन विधानसभा के अंदर जब ये स्थिति हुई उसके बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई, तमाम बिजली कर्मियों पर एक्शन भी लिया गया था। फिलहाल ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे, हमारे प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।